तो भाइयों गुड मॉर्निंग। आज हम हैं ऋषिकेश के अंदर और ऋषिकेश में हमने आज रात स्टे किया होटल आकाशगंगा, त्रिवेणी घाट के जस्ट बगल के पास में है। यहाँ पर हम अब सुबह सुबह कार्तिक स्नान करने वाले हैं। काफ़ी सालों के बाद इस महीने लगभग मैंने दो बार गंगा स्नान कर लिया और अब हम सुबह सुबह बज रहे हैं, सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और आज मैं कार्तिक स्नान भी करने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा है, ये दिन बहुत अच्छा है। चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए। दोस्तों ये है ऋषिकेश के सुनसान सड़के, हाईवे है और आगे में बहुत ज़्यादा शांत है। ये रहा घाट पर जाने का रास्ता। त्रिवेणी घाट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का, त्रिवेणी घाट गंगा द्वार। बस बोले 5 मिनट की दूरी पर है, पैदल यहाँ से पहुँच जाएंगे हम। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद अब हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट के द्वार पर। ये देखिए ये भैया भाभी आगे चलते। भाइयों गंगा जल की आवाज़ आ रही है, गंगा की धारा की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए रास्ता है जो सीधा जा रहा है घाट पर। ये देखिए घाट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साफ सुथरा भी है, लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। सही आ रही है, ऐसी रिकॉर्ड करना बोलता हूँ। तो साथियों अब मैं आ चुका हूँ त्रिवेणी घाट पर। यहाँ पर आ चुके होटल से आने के बाद अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और अब मैं कार्तिक स्नान करने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग के बाद अगर कोई युग आता है या फिर कोई महीना अगर उतना ही पावन पवित्र है तो वो कार्तिक महीना ही है, क्योंकि इस ये महीना जो है विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना है। जहाँ पर ये भी कहा जाता है कि भगवान इस महीने के अंदर स्वयं धरती पर उतर आते हैं और इस महीने को पवित्र पावन कर देते हैं। और एक बात और कही जाती है कि अगर इस महीने के अंदर, कार्तिक महीने की स्टार्टिंग में, अगर कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता, गंगा स्नान मतलब कोई भी पवित्र धाम, कोई भी पवित्र नदियों के जल से अगर स्नान करता है तो उसको 1000 गंगा स्नान के बराबर का फलयुग मिलता है। तो मैं तो आ चुका हूँ और अब अगर आपको भी मौका मिले तो इस महीने ज़रूर आए और आकर के गंगा स्नान जरूर करें, जिससे आपके सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे और आपको पुण्य मिलेगा। नहाने गंगा स्नान करने के बाद तुलसी मैया की पूजा करते हैं और यहाँ पानी बहुत ठंडा है, ये पानी नहीं होता है, जल होता है, जल बहुत ठंडा है। भैया ने नहाना शुरू कर दिया है, बोलो गंगे माई की जय। जा फटाफट, मुंह तो इधर कर तब से। हाँ ऐसे कभी तेरे गले में गल बहुत ठंडा पानी और जल।
इन्होंने हिम्मत मार दी, देख ले। चलो चलो कान में भर लिया क्या? जल्दी जल्दी मार के जल्दी आ जाना। क्या हुआ, किसने करना? गंगा माई के नाम लेंगे। बोल गंगे माई की जय। नहीं नहीं है, चलिए जवान बच्चों को भी ठंडा लगेगा। तो भगवान का नाम लो, आराम से नहा दो। कहाँ ठंडा पानी? अच्छा, तो मैं अब नहा चुका हूँ साथियों, और अब सूर्य उदय होने ही वाला है। बहुत ही ज्यादा अच्छा और मनमोहक नजारा है यहाँ पर। मैंने चेंज कर लिया, साथियों। स्नान करने के बाद आपको चेंज करने की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़े चेंज करने की व्यवस्था नहीं रखी गई है। है बट वो थोड़ा दूर है, तो आपको अपने सहूलियत के हिसाब से ही कपड़े चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पर घाट के पास में। यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर भी इन्होंने कोई रैक वगैरह नहीं बना रखा इस घाट पर। अब धीरे धीरे सूर्य उदय हो चुका है। अब आप देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे पहाड़ है और यहाँ जस्ट साथ में ही नीचे की तरफ छोटी गंगा बह रही है, जहाँ पे आप घाट बना रखा है वहाँ पर आप नहा सकते हैं। उसके उधर साइड की तरफ है, उधर की तरफ बड़ी नदी है, बड़ी गंगा बह रही है, जहाँ पर नहा तो सकते हैं क्योंकि तेज़ बहाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप घाट के जस्ट बगल में यहाँ पर नहा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से वहाँ से आगे से दो कट बनाया हुआ शायद आगे से। भाइयों, अब हम होटल से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश से निकलने के बाद, अब हम जा रहे हैं नीलकंठ, नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए अब हम जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे